दरभंगा जिला के तमाम पत्रकार मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी के पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश की हत्या के खिलाफ दरभंगा जिला के तमाम पत्रकारों के द्वारा हाथ में काला पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जो कि धरना स्थल से आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा होते हुए लहरिया सराय टावर चौक पहुंचा, जहां पत्रकारों ने एक सुर में पत्रकार बुद्धिनाथ झा की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखी। मृतक के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा एवं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग राज्य सरकार से करते हुए दोषी हत्यारों को फांसी की सजा की मांग रखी और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी रखा गया। पत्रकार है, मेरे से उम्र में भी ज्यादा है और अनुभव में भी है, लेकिन मधुबनी एसपी का एक बयान था कि अविनाश झा जो है वो फर्जी पत्रकार है, मतलब उनके पास कोई डिग्री नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए कि उसी मधुबनी के एक कोर्ट ने अविनाश झा मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के लिए ये कहा था कि डॉक्टर सत्यप्रकाश अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए दोबारा भेजा जाए। तो हम एक ऐसे एसएसपी की बात कैसे मान लें जो खुद इनकॉम्पिटेंट है और जो खुद ठीक से अपना काम नहीं कर पाते हैं। पावर आप अभी नहीं देखे हैं, अगर अपने पर उतारू हो जाएंगे तो आपकी कुर्सी को हिला देंगे। और ये आपसे हम आग्रह कर रहे हैं, पहले प्रेम से बोल रहे हैं, या तो हमारे पत्रकार बंधु पे जो हमला हो रहा है इस पे आप जो है संज्ञान में लीजिए और बुद्धिनाथ झा का जो कातिल है उसको जल्द से जल्द फांसी दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो आगे और भी मेहनत है, ये तो अभी एक ट्रायल है, ये तो हम लोग सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। प्रेस दिवस है वो भी है और उसके अवसर पर हम लोग बेनीपट्टी मधुबनी के रहने वाले बुद्धिनाथ झा जुझारू पत्रकार और कलम की लेखनी में तेज तरार पत्रकार की हत्या मधुबनी के प्रशासन के मिली भगत के द्वारा की जाती है, उसके खिलाफ हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। हमारा उद्देश्य है कि आए दिन बिहार से लेकर दरभंगा के पत्रकारों पर अत्याचार प्रशासन के द्वारा किया जाता है। प्रशासन के बारे में अगर अच्छा लिख दीजिए तो बहुत अच्छा है, अगर उसके विरुद्ध अगर थोड़ा सा भी कलम चला दीजिए तो वो टारगेट करके झूठा मुकदमा मगर का धमकी तरह तरह के मामले में फंसाने की साजिश रखती है। पूरे जो तो खरोश में है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हम सभी काफी गंभीर हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के एक रणनीति बनाए, एक नीति बनाए जो हर कोई निश्चिंतता के साथ अपना कार्य कर सके। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहने के लिए है, लेकिन इस चौथे स्तंभ का के अंदर जो एक भय का माहौल वातावरण जो बन गया है उस वातावरण को हटाना होगा। हमें सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, हम पत्रकारों को न्याय के पथ पर चलने से रोकने वाले के विरुद्ध आपको कड़ी कार्रवाई करनी होगी। हम सभी एकजुट हैं, एक साथ मिलकर के अपने दिवंगत पत्रकार साथी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसे न्याय दिलाएंगे, न्याय में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, हम सभी एकजुट हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।